जिन दोस्तों के सस्पेंशन काम नहीं कर रहे थे दोस्तों, हमारे भी सस्पेंशन जो काम नहीं कर रहे थे, तो फर्स्ट सर्विस में हमने जो अपने सस्पेंशन है उनको दोस्तों ठीक कर लिया है। और कितनी अच्छी तरीके से जो अपने सस्पेंशन है ये काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसकी हम जो फर्स्ट सर्विस है अपनी बाइक की या अपनी साइकिल की करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब दोस्त अच्छे होंगे। आज अपनी जो हरकल्स डिफेंडर जो साइकिल है उसकी हम फर्स्ट सर्विस करने वाले हैं। काफ़ी समय हो गया हम इसको यूज़ करते हुए चलाते हुए, तो आज इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हम करने वाले हैं, ऑयलिंग वगैरह, मतलब जो है इसकी हम बेसिक जो सर्विस है वो करने वाले हैं। और जो अपनी जो चेन है वो बिल्कुल सूख गई थी, और ये जो ब्रेक वगैरह है ये भी काफ़ी ढीली हो गई थी। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मतलब यूज़ करने के बाद ब्रेक लगती ही नहीं थी, इतनी ढीली हो गई थी। तो आज की वीडियो में इसकी मैं जो ब्रेक वगैरह है उसको भी सेट करना बताऊंगा, भाई इसकी जो ब्रेक को कैसे टाइट करते हैं। तो काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी ये आवाज़ करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों, इसकी जो ब्रेक काफ़ी लूज़ हो गई है, तो इसको हम टाइट करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी जो सेटिंग है उसको हम चेंज करेंगे। ये जो डिस्क ब्रेक है उसके बैक साइड में आपको एक ये नट मिलेगा, इसके जो एलन की है उससे ये थोड़ा सा आपको टाइट करना है। ये मैं आपको जो डिस्क ब्रेक की बैक साइड में ना ये प्लेट सी दिखेगी, उसके बीच में सेंटर में एक ऐसा नट मिलेगा, उसको जैसे ही आप हल्का सा टाइट करोगे जो आपकी ब्रेक है वो टाइट हो जाएगी। ज़्यादा टाइट भी मत करना, अगर ज़्यादा टाइट कर दिया तो ये जो है लॉक हो जाएगा। कुछ ऐसे अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करके देख लेना। ऐसा भी मत करना इतना बिल्कुल टाइट कर दो कि जो डिस्क ब्रेक है वो बिल्कुल जाम हो जाए, ऐसा भी मत करना। इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको ब्रेक चाहिए उस हिसाब से थोड़ा सा आप इसको टाइट कर सकते हो। काफ़ी दोस्तों ने इसका जो वायर होती है उसको भी टाइट करके देखा होगा। अगर वायर से आप टाइट करोगे तो वो क्या होता है, कई बार डिस्क ब्रेक पर जो रोटेट करता है ना वो फंस जाता है, अटक सी जाता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा मतलब टाइट नहीं करना। ये जो नट होता है इससे भी जो ब्रेक है वो टाइट हो जाती है। अब थोड़ी सी टाइट हम जो बैक वाली जो ब्रेक है उसको भी टाइट करने वाले हैं। सेम प्रोसेस है, इसके भी सेंटर में एक नट मिलता है, इसको हल्का सा घुमाना है। जैसे ही आप एक से दो, दो से तीन चूड़ियाँ चढ़ाओगे तो जो ब्रेक वगैरह आपकी टाइट हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, आपकी साइकिल के साथ जो एलन की आई थी उसी से ये टाइट हो जाएगा। और इसको ना टाइट करने के बाद एक बार फ्री जो टायर है उसको घुमा के देख लेना, ऐसा ना हो कोई साउंड आ रही हो या बिल्कुल टाइट हो गया हो, बिल्कुल हैवी हो गया टायर, ऐसा भी मत करना, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा अपना जो हैंडल वगैरह उसको दबा के देख लेना, भाई बिल्कुल तो फिक्स नहीं हुआ ये, ठीक है। अब जैसे मैं चेक कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है। अब अपनी साइकिल की थोड़ी सी हम क्लीनिंग कर देते हैं, डस्टिंग कर देते हैं, थोड़ी बहुत धूल जमी हुई है, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी दोस्त मेरे को बोले कि भाई इसका रैप क्यों नहीं उतारा, एक महीने से ज़्यादा जो आपकी साइकिल को हो गया है। तो इसकी रैप दोस्तों मैं 3-4 महीने के बाद ही उतारेंगे। और इसका रैप उतारने के बाद जो है ना ये कागज़ वाला रैप जो इसके साथ आया हुआ है इस पर हम लेमिनेशन करने वाले हैं। लेमिनेशन से क्या होगा, क्योंकि इसका जो कलर है काफ़ी मतलब ज़्यादा जल्दी गंदे होने वाला है। ये अपनी जो सीट कवर जैसा कि आप देख पा रहे होगे बहुत जल्दी गंदा होता है, और इस पर जो अगर किसी ने गंदे हाथ लगा दिए वो जल्दी से उतरेगा नहीं। तो जैसे इसका हम पहले रैप उतारेंगे तो इस पर लेमिनेशन हम करेंगे, और लेमिनेशन की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और ये जो मैंने कार्बन फाइबर की कहीं कहीं पे जो फिनिशिंग दे रखी है उसके बारे में बताना आपको कैसी लग रही है। ये अपने जो रिम वगैरह इनको हम साफ़ कर लेते हैं, हल्की फुल्की डस्टिंग जो इस पर हो रही है। अपनी भी जो साइकिल है उसका भी दोस्तों ख्याल रखा करो। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर जो ऑयलिंग है वो भी करने वाले हैं। मतलब अभी तक अपनी जो साइकिल है बिल्कुल स्टॉक है, इसके हमने कोई भी चेंज नहीं किया, ना इसका कोई ये कागज वाला जो रैप है वो हमने उतारा है। बिल्कुल पन्नी वन्नी जहाँ से लगी हुई थी ना वो बिल्कुल एट इजिट सब कुछ इसके ऊपर लगा हुआ है। क्लीन करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इसके अंदर ऑयलिंग करनी है। अब ऑयलिंग कहाँ कहाँ करनी है मैं आपको इसको वीडियो में बताता हूँ, भाई आप ऑयलिंग कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। पहले अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लो, उसके बाद इसके अंदर ऑयलिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये डिस्क ब्रेक है, इनको भी अच्छे से रगड़ के साफ कपड़े से साफ कर देना। इसके अंदर दोस्तों कोई डस्ट वगैरह या कोई ऐसा ऑयलिंग ऑयल वगैरह ऐसा जो लगाना हो, डिस्क ब्रेक जो है इसके अच्छे से साफ कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये इधर हमने कार्बन फाइबर लगा रखा है सीट के नीचे जो पाइप होता है, कई जगह दोस्तों हल्का सा थोड़ा ये चीज़ें होती ना ये टचिंग देने के बाद थोड़ा सा अट्रैक्टिव जो है ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है ना। ये डिस्क ब्रेक मैं जैसे साफ कर रहा हूँ ना, अपनी डिस्क ब्रेक को अच्छे
जो टॉवल वगैरह है कपड़ा है उससे साफ़ कर लेना। अब इस पर हम थोड़ी सी ऑयलिंग करने वाले, सबसे पहले हम चैन को ऑयल करने वाले, काफ़ी जो है ये सूख गई थी इसके हम ऑयलिंग करने वाले हैं। ऑयल जो है मैं वो जो बाइक के इंजन में डलता ना वो ऑयल यूज़ करने वाला हूँ, इंजन ऑयल जो होता ना मोविलाल जिसको बोलते हैं, ये आपको साइकिल शॉप पे आराम से मिल जाता है, 20-30 रुपए की ये बोतल आती है छोटी सी। एक बार इसको अच्छे से रोटेट कर लो कुछ इस तरीके से, आप भी घर पे ये हल्का फुल्का जो काम है ये कर सकते हैं दोस्त, इतना ज़्यादा बड़ा काम ये नहीं होता है। और इसके जो पीछे ये गिरारी है जो इसमें पीछे व्हील में लगा हुआ है, इधर भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं जिससे जो टायर है वो स्मूथ चले। और ये जो अपनी चैन वाली जो गिरारी है इसको क्या बोलते हैं, तो इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि ये अगर आप इसमें चैन रोटेट करते हो ना चर 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 की आवाज़ करता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो बैरिंग टाइप का जो सिस्टम होता है बोल्स वगैरह होती है इसमें भी डालना ज़रूरी होता है, जिससे वो भी बिल्कुल सूखी सूखी सी आवाज़ जो है, अगर आपकी साइकिल से आए तो इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डाल लेना दोस्तों, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको आप घर पर आसानी से ऑयलिंग वगैरह डाल सकते हो अपनी साइकिल में, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो अपने पैडल्स वगैरह है इसके अंदर भी आप ऑयलिंग कर सकते हो जिससे ये भी दोस्तों स्मूथ चले। ये छोटी छोटी चीज़ें आप आसानी से अपने घर पे आप कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी छोटी बात नहीं होती दोस्तों। काफ़ी सूख गई थी, आज तक मैंने एक डेढ़ महीना हो गया इसको चलाते हुए, डेढ़ महीना तो नहीं हुआ लेकिन जल्दी ही होने वाला है। तो कुछ इस पर तरीके से जो है इसमें डालना है। अब ये सस्पेंशन जो है ये भी बिल्कुल जाम हो गए थे, काफ़ी दोस्तों की क्वेश्चन थे भाई हमारे सस्पेंशन जो है ख़राब हो गए, ख़राब नहीं होते इसमें ऑयल डालना पड़ता है, क्या करें भाई, सस्ती चीज़ है हल्की चीज़ है, इस जो सस्पेंशन है इसके अंदर ऑयल नहीं है, ये ड्राई होते हैं, इसमें ग्रीसिंग वगैरह डाल देते हैं, एक स्प्रिंग होता है उसमें हल्का सा ग्रीस लगा देते हैं, उस ग्रीस जैसे ही वो सूख जाता है तो ये मूवमेंट करना बंद कर देता है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप ऑयलिंग डाल दोगे ना तो ये दोबारा से रोटेट करना स्टार्ट हो जाते हैं और वर्किंग में दोबारा से हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें आप ऑयलिंग कर लिया करो सस्पेंशन में भी, ठीक है। और फ्रंट व्हील में भी हम डाल लेते हैं इसमें, मतलब जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ पे आप जो साइकिल में ऑयलिंग आप कर सकते हो। और डिस्क ब्रेक जहाँ पे लगा हुआ ना टायर में उस साइड बहुत ध्यान से आपको करना है, अगर डिस्क ब्रेक पे अगर ऑयल गिर गया तो ब्रेक आपकी लगेगी नहीं दोस्तों, तो ये इस बात का ध्यान रखना। डिस्क ब्रेक अगर की तरफ आप ऑयलिंग करो ना, एक कपड़ा ले लेना साफ सुथरा, अगर आपको लगे भाई जो आप ऑयल इसके अंदर डाल रहे हो वो मेल्ट हो गया इस पर डिस्क ब्रेक पे आए तो तुरंत उसको साफ कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ बहुत ध्यान से दोस्तों, देखो जैसे अब ये निकल के आ गया ना इसको बिल्कुल साफ़ कर दो वहीं पे, ऐसा नहीं हो बिल्कुल नीचे तक बह के आ जाए, अगर नीचे तक आ गया तो ब्रेक आपकी लगेगी नहीं और साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा आपके डिस्क ब्रेक से और वो बहुत भद्दा लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो डिस्क ब्रेक पे हल्का सा भी ऑयल ना आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना, ऑयल करते हुए अपने जो हाथों में एक कपड़ा रख लेना, हर जगह हम ऑयलिंग करने वाले हैं जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों, बहुत आसानी से जो है अपनी जो साइकिल में ऑयलिंग आप कर सकते हो और महीने डेढ़ महीने में ये काम कर लिया करो दोस्तों, जिससे आपकी जो साइकिल है मेंटेन रहे स्मूथ चले, इतनी ज़्यादा हैवी भी जो है ना चले बाइक आपकी साइकिल। ये थी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था सस्पेंशन जिनके हार्ड हो गए थे उससे स्मूथ हो जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होगे। तो इसी तरीके से आप अपनी साइकिल में ऑयलिंग करते रहना, अगर आपके सस्पेंशन हार्ड हो गए हैं या आपकी साइकिल जो हैवी चलने लग गई है तो इसी तरीके से आप अपनी साइकिल को मेंटेन रख सकते हो दोस्तों। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।